हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी सिंटैक्स की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3। जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जो वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 और 2 चेक कर लें, आ चुके हैं इस टॉपिक पे। इसी टॉपिक के सीक्वेंस के अंदर 3rd लेक्चर आज अपने को चेक करना है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, वो आप देखते रहे। तो देखिए, ऑफलाइन काम तो बहुत सालों से अपने कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, तो ये अपना जो चैनल है यूट्यूब का डिफेंस के सेक्टर में, NDA आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंस के जो कोर्सेज हैं बेटा, NDA का जो साल में 2 बार होता है UPSC के थ्रू, है ना। नेवी के अंदर AASSR का है, एयरफोर्स के अंदर X ग्रुप का है, Y ग्रुप का है, और आर्मी के अंदर अपने GD टेक्निकल क्लर्क ट्रेड जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी वैकेंसी निकलती है, तो उसी को नज़र में रखते हुए FCAT वगैरह बेटा, CDS की, उसके अलावा अलग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं डिफेंस के सेक्टर के अंदर। तो टोटल जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या बेल्ट सर्विस है, 11 पैरामिलिट्री फोर्सेज और 3 अपनी डिफेंस का सेक्टर है, इंडिया आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो इनके लिए अपने बेटा बात कर रहे हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्स हो, बेल्ट सर्विस हो, डिफेंस हो, पूरा सेक्टर बेटा, पूरा सेक्टर, इनके जो भी एग्जाम होंगे अपने सबको चेक करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी वैकेंसी आएगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल बात यह है कि अपना जो सिंटैक्स का टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, उसमें अपने 3 लेक्चर, 3rd लेक्चर आ सकता है। इससे पहले 2 लेक्चर बात मैं कर चुका हूँ। तो जो बच्चे नए हैं, प्लीज़ बेटा, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना यहाँ समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मैं पुरानी बात थोड़ी सी कर पाऊँगा, लेकिन पिछली बातें ज़्यादा नहीं रिवाइज कर सकता मैं, क्योंकि मुझे शॉर्ट में यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 2 लेक्चर अपने कवर कर चुके हैं। तो जो प्लीज़ नए बच्चे हैं, उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले जो 2 लेक्चर उनको आप चेक करें, उनको सुने, समझें, और फिर इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करें। तो आज अपना जो 3rd लेक्चर है इसको देखते हैं। समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा, बीच में छोड़ के जाने की बात नहीं है। लेक्चर को देखिए, आराम से समझें। ऐसा दुनिया में कुछ चीज़ है नहीं जो समझ में ना पाए, थोड़े से दिमाग के तार कर लेंगे जो है। तो अपना जो लेक्चर नंबर 3rd है बेटा, उसको चेक करते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर के बाद में जो अगली बात है वो कुछ कंजक्शन के बारे में है। कुछ कंजक्शन है उसको लास्ट सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं उसी के अंदर एडिटिंग करनी है। अगर पिछले सेंटेंस के अंदर अपने ये वाले कंसेप्ट को डाल दें तो 3rd लेक्चर बन गया, यानी कि एडिटिंग की है थोड़ी सी और नया कंसेप्ट निकल के आ गया। थोड़ी सी एडिटिंग करने से सेंटेंस में काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेंज हो गई, काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक बन गई। तो जो एरर आई है, जो भी नए नए कंसेप्ट निकल के आए हैं, जो भी थोड़ी सी नई एरर बनी है, वो थोड़ी सी एडिटिंग करने से बनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टेंस समझना जरूरी है। यहाँ पे पिछले जो टाइप था उसके अंदर मैंने क्या किया, 3 कंजक्शन डाल दी, 3 कंजक्शन, कंजक्शन हु विच दैट। देखिए, हु कंजक्शन आती है लिविंग नाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन जो है प्रोनाउन की जगह पे आती है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन लगा सकते हो। तो नाउन की जगह पर अपने प्रोनाउन लगाते हैं, कहता है कि जो ना हु है वो आता है लिविंग नाउन या प्रोनाउन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग नाउन या प्रोनाउन के लिए, और दैट के नो यूज है। दैट यानी नो नाउन या प्रोनाउन के लिए आ सकता है। तो लिविंग के लिए आप वो लगाते हो, नो लिविंग के लिए विच लगाते हो, और दैट के नो यूज है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वो आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग के लिए, और दैट के नो यूज। कहते हैं सेंटेंस अगर कंजक्शन आ जाए हु विच दैट, तो इससे ठीक पहले जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। कंजक्शन हु विच दैट से ठीक पहले वाले वर्ड को अपने एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट में जो एंटी है वर्ड, एंटी, एंटी का मतलब होता है पिछला, या फिर कह सकते हो एंटी हम लोग रेट्रो भी होता है इंग्लिश में, तो रेट्रो मीन्स पूर्व, या फिर प्री कह सकते हो, प्री मीन्स पहला। तो एंटी रेट्रो प्री यानी कि पूर्व या पिछला या पहला। तो कहता है कंजक्शन हु विच दैट से ठीक पहले, ठीक पूर्व, ठीक पिछला। कंजक्शन हु विच दैट से ठीक पहले, ठीक पूर्व, ठीक पिछला, जो भी एंटीसीडेंट दे रखा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो उस नाउन या प्रोनाउन की वजह से सेंटेंस में आगे 2 एरर बनेगी, वर्ब की और प्रोनाउन की। इसकी वजह से ये यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसकी वजह से सेंटेंस में एरर बनेगी, वर्ब की और प्रोनाउन की। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब और प्रोनाउन की एरर बनेगी वो उसकी वजह से चेंज होगी, इसकी वजह से वैरी करेगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आएंगे, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आ जाएंगे। कहता है कि कंजक्शन हु विज दैट से ठीक पहले, कंजक्शन हु विज दैट से ठीक पहले, अगर एंटीसीडेंट यानी कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेंटेंस के अंदर वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा दो, अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन प्लूरल लगा दो। तो कंजक्शन से ठीक पहले वाले वर्ड को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में आगे वर्ब प्रोनाउन चेंज करो, उसके
अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन चेंज कर लो। तो मैं सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूँ आपको, सेंटेंस लिखा हुआ है, कहते हैं इट इज नॉट द पार्क हु प्रोवाइड्स सेंटर टू इट्स विजिटर्स विद इट्स सेंटिंग रूल्स इज या आर बाय विसिनिटी। तो सेंटेंस का कंजक्शन मिल रही है मुझे, तो चेक करते हैं सेंटेंस के अंदर क्या क्या है। तो जो लास्ट कंसेप्ट था पहले, तो उसके ऊपर एक एरर थी कि भाई वन ऑफ के बाद में नाउन कैसे आती है प्लूरल, वन ऑफ के बाद में नाउन आती है प्लूरल। तो मैंने पार्क में ऐसे लगा दिया, पार्क्स कर दिया, क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आती है। लास्ट कंसेप्ट अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर फर्स्ट में पढ़ा था। तो वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल चाहिए, और अपने बेसिकली ये जानते हैं, बेसिक बातें भी मैंने पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन के अंदर अपने ऐसे आई एस जोड़ेंगे तो नाउन प्लूरल बनेगी, नाउन के अंदर ऐसे आई एस ऐड करते हैं तो नाउन बिकम्स प्लूरल, तो ये प्लूरल होते हैं। तो पार्क्स कर दिया, अब पार्क बेटा लिविंग है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ नोन नहीं आएगा, बीच आएगा। तो दूसरी एरर बेटा, पेपर में एग्जाम के अंदर आपको एक एरर मिलती है एक सेंटेंस के अंदर, बट अपने यहाँ पे ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क का टाइम लिया, हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं होती। नॉलेज गेन कर लोगे, नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन बेटा बहुत कुछ आने से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं पेपर में जो चीज़ आती है वो आने से। पेपर में जो चीज़ आती है, अगर वो चीज़ आपको आती है, पेपर में जो चीज़ आती है वो अगर आपको आती है, बट सिलेक्शन उससे होगा। ऐसे नहीं कि आपने नॉलेज बहुत सारी इकट्ठी कर लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, आपने ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, 10 बुक पढ़ ली, 12 बुक पढ़ ली, 20 बुक पढ़ ली, 20 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन होता है उस चीज़ से कि आपने एग्ज़ाम में वो चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। फालतू पढ़ोगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, वो मज़ा धरा का धारा रह जाएगा। पेपर में मज़ा आना चाहिए बेटा, सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर स्मार्ट वर्क करेंगे अपने, एक आधी अलग नहीं पकड़ेंगे, ज़्यादा कुछ सीखना है और एक साथ सीखना है, क्योंकि टाइम की भी कमी है बेटा, टाइम की कमी है, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने वाला, लेकिन अपने को कई चीज़ें सामने लेके चलनी है। लेकिन मैं वो चीज़ें सामने लेके चलूँगा जो आपके काम की है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है मैं बड़ा कुछ छोड़ रहा हूँ और बीच में चीज़ मैंने और डाल दी, तो वो चीज़ें लेके चलते हैं। हाँ, तो पहली बात ये कि वन ऑफ क्यों नाउन प्लूरल आती है, नाउन के मैंने ऐसे जोड़ दिया। दूसरी बात पार्क नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की आएगा मूव, नॉन लिविंग की आएगा बीच, यहाँ पे कुछ दे रखा है जो भी गलत है, तो नॉन लिविंग के लिए लगा दो बीच, पेपर बीच लगा दिया। दूसरी बात अपन मेरी बात की कंजक्शन से कि पहले वाले वर्ड पर करना है, तो कंजक्शन से कि पहले वाले वर्ड पार्क्स है जो कि प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस में वर्ब नाउन प्लूरल आते हैं, अगर ये सिंगुलर होता तो सेंटेंस में वर्ब नाउन सिंगुलर आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे प्लूरल दिख रहे हैं, इसके आगे सब कुछ प्लूरल आएगा, तो मैंने ये कहा प्रोवाइड में सीधा से ला दिया, क्योंकि प्रोवाइड वर्ब, और अपने जानते हैं कि वर्ब के अंदर ऐसे आई एस जुड़ेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, वर्ब के अंदर ऐसे आई एस जुड़ेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, और अपने को प्लूरल चाहिए क्योंकि एंटीसेंट प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ से हु विज दैट से पहले देखा कि प्लूरल पहले मैंने प्लूरल बना लिया, इसको वर्ब में से ऐसे हटाओगे तो वापस प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे आई एस जुड़ने से सिंगुलर हो जाती है। तो कुल मिलाकर तीन चौथी एरर वर्ब बात यहाँ पे एरर होती है प्रोनाउन की, भाई आगे दो एरर लिखी है मैंने, या तो वर्ब की बनेगी या प्रोनाउन की बनेगी, तो प्रोनाउन चेक करते हैं। प्रोनाउन का यहाँ पे इट से निकलता है, इट्स, ही से, हिज, शी से, हर, इट से, इट्स और दे से, देयर, तो यहाँ पे मुझे इट्स दिख रहा है जो कि सिंगुलर है, क्योंकि ही शी इट्स सिंगुलर और दे प्लूरल, तो यहाँ पे इट्स दिख रहा है जो कि सिंगुलर है, और फिर कैसे चाहिए प्लूरल, क्यों चाहिए प्लूरल, क्योंकि एंटीसेंट मेरा यहाँ पे प्लूरल था पास, तभी तो मैंने वर्ब प्लूरल की, प्रोनाउन प्लूरल करना है। तो इट का इट्स है तो दे का देयर होता है, तो अपने इट्स की जगह पे देयर रख देंगे, तो यहाँ पे दे इसकी जगह पे देयर कर लो, चार अच्छा। इसके बाद में यहाँ पे इसकी जगह पे देयर कर लो, क्योंकि प्लूरल चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे आर कर दो, प्लूरल चाहिए, एंटीजेंट प्लूरल है, लेकिन बेटा बात कुछ और है, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं सेंटेंस का। देखो बच्चे पूछते हैं वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेटा वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वोकैब को सेंटेंस में यूज करो, वोकैब भी याद होगी, सेंटेंस भी याद होगा, और साथ में उसको ग्रामर की एरर डाल लो, ग्रामर भी याद हो जाएगी, तीनों बेनिफिट एक साथ। और आपके एग्जाम में तीन चीज़ें आती हैं, आपके एग्जाम में ग्रामर आती है, वोकैब आती है और पैसे आता है, ग्रामर आती है, वोकैब आती है और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है। अब ग्रामर तो मैंने यहाँ पर चेक कर ली कि पाँच एरर मिल गई मुझे एक सेंटेंस के अंदर, पेपर में एक एरर रहेगी, यहाँ पर पाँच एरर चेक कर ली। दूसरी बात बेटा वोकैब साथ में चेक करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर वोकैब और ग्रामर यूज़ करने से कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाएगा, तीनों चीज़ें एक साथ, तो ग्रामर भी हो जाए, वोकैब भी हो जाए और पैसेज भी हो जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो वोकैब आती है वोकैब को चेक करते हैं, तो उससे पता लगाते हैं कि यहाँ पे इज आएगा या आएगा, इज आएगा या आएगा, और वोकैब याद हो जाएगी तो सेंटेंस की हिंदी भी बन जाएगी, तो कॉम्प्रिहेंशन भी पता
वोकैब को अगर सबसे बेहतर तरीका है उसको सेंटेंस में यूज़ करो या फिर डेली लाइफ के अंदर यूज़ करो। आपकी डेली रूटीन की जो भी लाइफ है, जो भी सेंटेंस है, जो भी काम करते हो बेटा, जो भी काम करते हो उसमें वोकैब को यूज़ करो तो आपको वोकैब याद रहेगी। हिंदी की वोकैब भी आपने ऐसे याद की है, हिंदी की वोकैब आपको सारी याद नहीं है, लेकिन जो भी याद आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हो आपको पता है उनके बारे में। कोई काम यहाँ पे करना है इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में तो इंग्लिश में लैंग्वेज है, यहाँ पे भी वोकैब को याद करने के लिए आपको जो आपकी वोकैब है उसको बेटा सेंटेंस के अंदर यूज़ किया करो, डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया करो। जितना वोकैब को अप्लाई करोगे उतनी वोकैब सेट हो जाएगी, यूज़ करना सीख जाओगे, वोकैब को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। मात्र रट्टा मारने से वोकैब नहीं आती होगी, वोकैब को याद करना है बेटा तो यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली रूटीन लाइफ। तो इसका वोकैब चैप्टर बच्चों यहाँ पे जो प्रोवाइड है इसका होता है उपलब्ध करवाना, किसी चीज़ को उपलब्ध करवा देना, अरेंज करवाना। शेल्टर होता है आश्रय, शेल्टर होता है बेटा आश्रय, शेल्टर यानी कि आश्रय सहारा छत, विस्तृत होते घूमने वाले भ्रमण करने वाले भ्रमण कर शेल्टर रूम होते हैं छायादार पता, छायादार पता शेल्टर रूम होते हैं छायादार पता। देखो शेडी बना शेडो से, शेडो होती है छाया, शेडो छाया, और ग्रुप होती है लाइन क्यू यानी कि पंक्ति कतार, क्यू यू ई यू ई क्यू लाइन पंक्ति कतार, तो उसी से बना लिया छायादार कतार यानी कि छाया की पूरी कतार है। विस्तृत होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग्स आसपास आसपास विस्निटी होता है सराउंडिंग्स आसपास या आसपास। बेटा विस्निटी यहाँ पर काम कर रहा है नाउन का, विस्निटी यहाँ पर काम कर रहा है नाउन का, तो विस्निटी यानी कि सराउंडिंग्स है, आसपास है या आस पड़ोस में या कुछ नज़दीक है। तो चेक करते हैं दोबारा, शेल्टर हो गया अपना आश्रय साधन छत, सेकेंड रूम यानी कि छायादार कतार, विस्निटी यानी कि सराउंडिंग्स आसपास या आस पड़ोस, विजिटर्स यानी घूमने वाले। तो सेंटेंस में ऊपर से चेक करिए, जितने भी पार्क है उनमें से एक ये वाला ऐसा पार्क है यानी किसी एक पार्क की तरफ इंडिकेशन करके बोल रहा है, इंडिकेट करके बोल रहा है कि ये सभी पार्कों में से एक ऐसा पार्क है जो कि आश्रय उपलब्ध करवाता है अपने भ्रमणकारियों को, विजिटर्स को जो हम विजिट करने आते हैं, किस चीज़ से, अपनी छायादार कतार से। तो वो पार्क कहाँ है मेरे आस पड़ोस में है, तो वो पार्क कितने में था यहाँ पे इंडीज एक, तो उस एक के लिए यहाँ पे इंडीज आया होगा आर नहीं आ सकता। तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो आर लगा देता है एरो में, क्योंकि अपने जानते हैं कि प्लूरल तो सब कुछ प्लूरल कर दो, तो बच्चों उसको कन्फ्यूज होकर क्या करते हैं तो आर को क्लिक कर देते हैं। लेकिन बेटा कॉम्प्रिहेंशन को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वैसे भी उस सेंटेंस को अलग करने के लिए कोमा लगा रखा ताकि सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया, तो कोमा तो मिल ही जाएगा। लेकिन दूसरों बेटा चीज़ को ना प्रैक्टिकली समझना है कि चीज़ सेट होनी चाहिए, अपने आप चीज़ समझ में आनी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं कोमा दिखूंगा तो ही चीज़ लगाऊंगा नहीं तो मार लगा। ऐसे रट्टा मारने जो भी चीज़ को समझो, पकड़ो चीज़ को, चीज़ को वो पकड़ना है बेटा। तो जितने भी पार्क है उनमें से ये एक ऐसा पार्क है जो अपने विजिटर्स को आश्रय प्रदान करता है छायादार कतार से, वो पार्क मेरे आस पास में। तो ये इसका बेटा कॉम्प्रिहेंशन हो गया यानी कि हिंदी वालों का ट्रांसलेशन। चलते हैं अगले सेंटेंस में। अब बेटा अगले सेंटेंस में चलने से पहले आपको ये बात क्लियर है कि कंजक्शन हु इज दैट समथिंग, पहले कंजक्शन प्लूरल तो आगे वर्ब प्लस प्लूरल, ये सिंगुलर आगे वर्ब प्लस सिंगुलर आ जाएगा, और हु आता है लिविंग के लिए, विच आता है नॉन लिविंग, दैट कैन बी यूज्ड। तो चेक करते हैं बेटा सेकंड नंबर जो सेंटेंस है ना उसको, तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो भी आ रहा है उसको देख लेते हैं। अमित इज वन ऑफ द स्टूडेंट व्हिच हैज एग्जैजरेटेड इन्यूएंडो ऑन हिज कोच फॉर नॉट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव हिज अटेनमेंट। तो सेंटेंस आपके सामने है, इसके अंदर जो भी वोकैब आई है वो मैंने आप देख दी, तो पहले वोकैब चेक कर लेते हैं फिर वर्ब चेक करते हैं। देखिए बेटा एग्जैजरेट वर्ड है, एग्जैजरेट में काम कर रहा है वर्ब का, कहता है कि शो से मोर देन रियलिटी, वास्तविकता से ज़्यादा दिखावा करना है, यानी कि रियलिटी कम है, रियलिटी कम है लेकिन दिखावा ज़्यादा है। तो रियलिटी कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है, तो यानी कि ढोंग करना, पाखंड करना, कोई चीज़ है कम लेकिन दिखावा ज़्यादा करना उसका, यानी कि हाइपरबोल करना, अतिशयोक्ति करना, ओवर स्टेट करना, ओवर यानी ज़्यादा स्टेटमेंट यानी कि कथन, तो कथन को बढ़ा चढ़ा के कहना, कथन को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो ओवर स्टेट करना। इसके बाद हमारा एक वर्ड है इन्यूएंडो, नाम का काम भी करता है वर्ब का काम भी करता है, यहाँ पे इसका काम कर रहा है नाम का, तो यहाँ पे नाम का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है इन्यूएंडो का एक्यूज, इंप्यूट, क्रिमिनेट, ब्लेम यानी कि आरोप लगाना, दोष लगाना किसी पे,
किसी पे आरोप लगाना, किसी पे दोष लगाना, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग हो गया। अगला वर्ड है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट नाउन का मतलब है, इसका मतलब होता है क्वेंट्री या क्वेगमायर, यानी कि सीरियस कंडीशन, नाजुक हालात, गंभीर हालात। आज कोरोना की वजह से कई हालात बड़े नाजुक हो गए हैं, या तो प्राइवेट टीचर्स को ले लो या रियल में जिनको कोरोना हुआ है उनके हालात देख लो ना। पहले ऐसा लगता था कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा जैसे नॉलेज में लोग आ रहे हैं, पता लग रहा है ना, कोई फैमिलियर है, कोई जानकार है, तो उनसे पूछते तो पता लगता है कि हाँ रियल में कोरोना कुछ तो है। तो खैर चलता रहेगा, इस चीज़ तो कोई इलाज ही नहीं है। तो फिलहाल जो नाजुक हालात हैं, गंभीर अवस्था है, सीरियस कंडीशन है, मैं कोरोना के ऊपर देखो वो कैप भी यूज़ करो, वो रियल लाइफ के अंदर वो कैप याद रहेगी, तो वर्ड कभी नहीं भूलने वाले आपके वाला। एंटेंगलमेंट यानी कि क्वेगमायर, नाजुक हालात, सीरियस कंडीशन, गंभीर अवस्था कोरोना वाले की। तो बेटा इस वर्ड को कोरोना से जोड़ के याद कर लो, बनी आपको वो कैप याद होनी चाहिए। तो एंटेंगलमेंट, क्वेगमायर, क्वेंट्री, सीरियस कंडीशन, तो कैप याद हो जाएगी बेटा। अब चलते हैं सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो चेक। देखिए बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर जो मैंने बनाए हैं सिक्वेंस वाइज चलो, देखते रहो सारे वीडियोस को, अपनी कॉपी में लेके बैठा करो ताकि वो कैप नोट कर पाओ या बाद में नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरा मेन टारगेट कहने का बेटा ये कि चीज़ जब पढ़ रहे हो तो समझ में आनी चाहिए, और अपने जो ये एग्जाम है एनडीए आर्मी नेवी एयरफोर्स ये अपने क्लियर होनी चाहिए। तो एनडीए आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अपने जो ये सीरीज लेके आए हैं उसमें अपने को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिग इशू। सेंटेंस के अंदर जो है अपने को देखते हैं, वन ऑफ के बाद में जो अपनी नाउन है वो अपने प्लूरल चाहिए, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, तो स्टूडेंट को बना दी स्टूडेंट्स। अगली स्टूडेंट बेटा लेकिन ये नोट लेंगे, लेविंग है तो लेविंग के लिए क्या आएगा, वो परमिशन आ सकता यहाँ पे करने के लिए, तो विच जगह पे लगा दिया, क्योंकि स्टूडेंट ले लिया लेविंग के लिए वो आता है, नॉन लेविंग के लिए विच लगाते हो तो यहाँ पे वो लगा देंगे। उसके बाद में एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब प्रोनाउन प्लूरल चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे हैव कर लेंगे बेटा, ऐसी जगह पे हैव आ जाएगा। हैव करने के बाद में हिज प्रोनाउन सिंगुलर दे रखी है, ये से निकलता है हिज, और अपने को प्लूरल चाहिए तो देखा निकलेगा देयर, तो हिज की जगह पे देयर। और ये ही देखिए ऑब्जेक्ट किस है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं, पोजेसिव को पोजेसिव, पोजेसिव बदला, अब ही से ऑब्जेक्ट किस बनता है ह्यू, तो देख होता है देन, तो यहाँ पे किसी का देन वहाँ से है। अब बेटा जिसको ये चीज़ में गड़बड़ है प्रोनाउन में चेंज करने में, वे प्रोनाउन बोल सकते हैं आई वी यू की शीट दे, इनके ऑब्जेक्ट किस चेक करने हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, तो ये सारे टेबल आपको मैं प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। पूरा कोर्स अपने आप करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो जो प्रोनाउन की टेबल होती है वो सारी आपको मैं समझाने वाला हूँ प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। फिलहाल जो छोटा छोटा यूज आ रहा है वो सामने चेक कर रहे हैं। तो प्रोनाउन की टेबल आपको आती होगी, पहले बार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नहीं आती बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे, मैं आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लेक्चर उस टाइम पर दे दूंगा ताकि दिक्कत ना आए। तो हिम की जगह पर दिया, हिज की जगह पर दिया, हिज की जगह पर दिया, तो कुल मिला के यहाँ पे चार लड़के जो एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक सेंटेंस के अंदर छः छः बन सकती है, तो मैंने बनाई है पेपर में छः में से कोई भी एक एरर आ जाएगी। सेंटेंस में जिस टाइप की एरर बन सकती है वो अपने एरर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एरर बनेंगे करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके में नॉलेज बनेगी। और जो बच्चे इसको लिखते हों, जो बच्चे इसको लिखते हों बाद में या पहले या स्क्रीन शॉट लेके, तो बेटा वो चीज़ ध्यान रखें कि गलत चीज़ को लिखना जरूर है, उसके बाद में करेक्शन करके इसको सही लिखना है, जिस मैंने अगर करेक्शन किया, क्योंकि ये रिविजन के लिए है। जब भी रिविजन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पता रहेगा कि यार यहाँ पे ये गलती होती है, एग्जाम में गलती हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं गलत चीज़ लिखता हूँ उसके ऊपर करेक्शन करके सही लिखता हूँ। मैं पूरा सही लिख सकता हूँ, आप भी पूरा सही लिख सकते हो, लेकिन बेटा बाद में याद नहीं रहेगा, तो वो याद रखने के लिए बेटा पहले गलत लिखो फिर उसको सही लिखो। तो चलते हैं इसके अंदर कैप के बाद में सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन समझने में। तो देखो ग्रामर से छः एरर थे, छः की छः एरर उन्होंने चेक कर ली, इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देखते हैं। जो अमित इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एग्जेजरेटेड डुएंडो ऑन देयर पोस्ट फॉर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर एंटेंगलमेंट। देखो बच्चों यहाँ पर वो कैप के मीनिंग उन्होंने चेक कर लिए, एक वर्ड रह गया था अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है चांस, अवसर, मौका। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, चांस या मौका। और यहाँ पे जो इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव यानी कि सुधारना, कि जिसको इम्प्रूव करना, सुधारना, एडिट करना, उसमें बाकी हमने पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एक क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के
बढ़ा चढ़ा के एग्जिजरेट यानी कि रियलिटी से ज़्यादा, तो बढ़ा चढ़ा के क्या करता है, आरोप लगाता है इस पर अपने कोच पे। फनोट के लिए चांस कि उसको चांस नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे, किस चीज़ के लिए, अपने नाजुक हालात को सुधारने के लिए। तो कौन है वो अमित? अमित सभी स्टूडेंट्स में से एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बढ़ा चढ़ा के अपने कोच पे आरोप लगा रहा है कि वो उसको मौका नहीं दे रहे अमित को अपने नाजुक हालात को सुधारने का। तो ये तब टाइप का कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं किसी बुक में से नहीं है, किसी बुक के सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस रियल लाइफ में से है। रियल लाइफ के सेंटेंस पढ़ोगे तो बेटा एक तब कह गया दोगी रियल लाइफ में सेंटेंस किसने बनाया, वो चीज़ याद रहेगी, प्लस ग्रामर याद हो जाएगी, वो ग्रामर भी एक नहीं पाँच छः अलग एक साथ। तो स्मार्ट वर्क करेंगे, वो कैप भी साथ में, ग्रामर भी साथ में, हिंदी भी बनाएंगे। तो बेटा कहते हैं ना बूंद बूंद से गढ़ा बनता है, तो बूंद बूंद करके बहुत सारे वो कैप तैयार हो जाएगी, बूंद बूंद करके कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा एक सेंटेंस के। अगर हिंदी बना सकते हो एक छोटे से सेंटेंस की, देखो ये तीन लाइन का एक छोटे से सेंटेंस है, ये छोटे से सेंटेंस की हिंदी बना सकते हो ना, तो पूरे पैसेज की भी हिंदी बन जाएगी। और पैसेज की हिंदी बनने के बाद में सारा खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसेज 100% आप सॉल्व कर सकते हो। तो पैसेज को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती, जो बता रहा हूँ बेटा कोई तरीका है, तरीका ये है कि हिंदी बनाओ सॉल्व करो उसको पैसेज आपको हो जाएगा। एक सेंटेंस की हिंदी बनेगी बेटा तो पैसेज की बनेगी, बूंद बूंद से गढ़ा बनता है। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अपने इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका मैं इस चैनल पे, बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद।